फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुलता किचन एंड फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? मैं ठीक हूँ, मेरा आदि भी ठीक है। आई होप आप सभी भी ठीक ही होंगे। आज संडे, अभी टाइम बज रहा है 12:30 टाइम बज रहा है। मेरा ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सुबह से कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाई थी क्योंकि आज संडे है, थोड़ी बिजी थी इसकी वजह से। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज जो बटा मछली है ना, उसको मैं जो ड्राई मैंगो ना उसमें डाल के मैं बनाऊँगी। बिल्कुल गाँव का स्टाइल में बनाऊँगी, सच बना टेस्टी लगेगा। गरम गरम चावल के साथ खाओगे ना तो बड़ा टेस्टी लगेगा। तो अगर कोई नहीं बनाया होगा तो ज़रूर देखना, और आए हो अच्छा लगेगा ज़रूर आपको। तो आप मुझे कल का लक्ष्य में एक कमेंट आया था, मुझे उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है। वो मुझे कमेंट किया था कि आपने खाना बना रहे हो वो अच्छा है कि नहीं है, मुझे कैसा पता चले। अभी आप देखो, मैं यहाँ पर खाना बनाती हूँ तो मैं जैसे जिस तरीके ही बना रही हूँ, आप उस तरीके में बना के एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप कैसे पता चलेगा कि अच्छा नहीं बनेगा? क्योंकि मैं जिस तरीके में बना रही हूँ, जो भी मसाला डालती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो आपको तो पता चलेगा ना। तो आप बनाओगे तब तो आप नहीं बनाओगे तो आप, और अगर आप मेरे हाथ का खाना खाने के लिए चाहते हो तो आ जाओ मेरे घर पर, मैं बना के देती हूँ, फिर आपको भी पता चलेगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। और उसके बाद भी एक कमेंट आया था कि आपका हिंदी मिस्टेक होता है, हो रहा है, ऐसे कुछ तो है। लेकिन मैंने आपको पहले ब्लॉग्स में भी बताया है, लेकिन मुझे इतना हिंदी नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ हिंदी में बात करने के लिए। इसमें गलती किसका है? मेरा है थोड़ी ना, तो क्या गलत, मतलब हिंदी तो आता ही नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करने के बाद तो होता है ना। तो इतना नहीं कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दूँगी, ऐसा करूँगी, ऐसा तो नहीं कर सकती ना मैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह का मैं बात कर रही हूँ। तो चलिए, बटा मछली का जो मैंगो ड्राई मैंगो डाल के मैं बनाने वाली हूँ, तो आपको पता चलेगा मैं किस तरह का मैं बना रहा हूँ। उसके लिए क्या क्या जरूरत भी है मैं आपको बताऊँगी। उसमें थोड़ी सी मैं सब्जी भी डालूँ, सब्जी या सिर्फ भिंडी के साथ भी बनाऊँ, लेकिन बिल्कुल गाँव का स्टाइल में बनाऊँगी। तो चलिए देखते हैं बटा मछली मैं कैसे बनाती हूँ। मछली के लिए मैंने यहाँ पर ही बटा मछली अच्छी तरह साफ करके रखा। मुझे एक कमेंट आया था कि इसको साफ कैसे करना है। सच मानो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली थी, लेकिन मेरा हस्बैंड उसको जब लेके आई थी ना, तो उधर से पूरा साफ करके लेके आई थी। मैं सिर्फ उसको इधर मतलब साफ किया था, मतलब साफ किया धो उसको अच्छी तरह साफ, मतलब धोया था मैंने अच्छी तरह उसको। लेकिन एक दिन जरूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसको कैसे बनाते हैं, मतलब इसको साफ कैसे करते हैं। तो उसमें सिर्फ भिंडी डालूंगी, और उसके साथ जो ड्राई मैंगो मैंने बताया ना आपको, इसको पानी में मैंने भिगा के रखा है। बाकी जो मसाला डालूंगी ना, तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी, तब तो आपको पता भी चलेगा। पहले मछली में हल्दी नमक दे देती हूँ, थोड़ा सा नमक दूंगी क्योंकि नमक के बिना स्वाद भी अलग रहता है। मेरे घर के साइड में एक घर का काम चालू है, इसलिए उसका आवाज़ आ रहा है, तो फिर मैंने जरूर कर देना, क्योंकि रोड के साइड घर है तो आवाज़ तो आ रहा होगा आपको। हल्दी नमक दे के मैं उसको अच्छी तरह से मेहनत करती हूँ, ताकि नमक हल्दी अच्छी तरह मछली में मिल जाए। तो मछली को मैंने अच्छी तरह मेहनत कर दिया, अभी इसको फ्राई कर लूँगी। इसको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर गैस ऑन किया, अभी इसमें कढ़ाई बैठाऊँगा। एक साइड मैंने कढ़ाई बैठा लिया था, कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैं फ्राई किया था जो रिफाइन तेल डाल के ना उसमें, और उसके साथ मैंने यहाँ पर सरसों का तेल दूँगी, और तेल को अच्छी तरह गर्म होने के लिए दूँगी। तेल को अच्छी तरह गर्म होने के लिए दूंगी। तेल जैसे ही गर्म होगा, मैं सरसों का तेल पे जो भी नॉनवेज बनाती हूँ मैं सरसों का तेल पे बनाती हूँ। अगर आप चाहो तो रिफाइन का तेल पे, लेकिन रिफाइन का तेल पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी ना, तो मछली वगैरह बनाते हो ना तो सरसों का तेल पे बनाना, क्योंकि मछली का जो स्मेल रहता है ना, सिर्फ सरसों का तेल में कट जाता है। अगर मैं रिफाइन तेल पे बनाती हूँ ना तो इतना अच्छा नहीं बनता इसकी वजह से, या फिर तेल की गर्म है। अभी जो मछली मैंने मेहनत करके रखा था उसको एक कुकर पे दे दो, हमें
अच्छी तरह हिलने के लिए छोड़ दूँगी। हिलने के बाद मैं इसको पलट दूँगी और एक बार ध्यान रहे जब आप मछली खा सकते हैं ना तो कढ़ाई अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। कढ़ाई अच्छी तरह नहीं गर्म होने तो आप मछली डालेंगे ना तो मछली गिर जाने का चांस रहता है। कढ़ाई तेल अच्छी तरह गर्म होने के लिए छोड़ेंगी, उसके बाद तेल डाल के मछली डालेंगे क्योंकि तेल भी गर्म होगा कढ़ाई भी गर्म होगा। आप जब मछली डालेंगे तो मछली बिल्कुल सूख जाएगा, बिल्कुल भी आपका अच्छा नहीं होगा, तो इस बात को जरूर ध्यान देना। पैक अच्छी तरह हो चुका है, हम इसको पलटा देंगे। इतना आसानी से ये पलट रहा है, अगर कढ़ाई अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आसानी से पलट जाता है, बिल्कुल भी मछली नहीं टूटेगा। तो आप देखिए अभी दूसरे साइड भी अच्छी तरह होने के लिए बोलिए। अभी ये फर्स्ट साइड भी अच्छी तरह होने की तरह दूसरी भी मैं इसी तरह पलटा दूँगी। अभी आप देख सकते हैं मेरी मछली अच्छी तरह खाने की तरह, क्योंकि मैं बीच में उसको पलटाया था भैया, क्योंकि पूरा प्लस में आपको दिखाऊंगी ना सब बहुत बड़ा हो जाएगा। आप देखेंगे फिर अभी भी जाएगा इसकी वजह से आप देख सकते हैं मछली मेरा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। वही मैं रिकॉर्ड दे रही थी, ओके देखिए बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई करना है आपको। अभी इसके साथ मैं जो भिंडी रखा था उसको डाल के बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट मछली का भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये मछली ना मुझे भिंडी डाल के बना के अच्छा लगता है, इसकी वजह से मैं भिंडी डाल के बना रही हूँ। नहीं बनाएगा ना तो डायरेक्ट फ्राई एक बार करना, भिंडी को इसलिए थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि भिंडी का जो लाल या उसके रहता है ना तो वो खत्म हो जाता है, इसकी वजह से मैं इसको थोड़ा फ्राई कर ले रही हूँ। चाहे तो डायरेक्ट भी इसको डाल सकते हो, अभी इसको थोड़ी देर के लिए भून देंगे ताकि भिंडी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो भिंडी थोड़ा फ्राई हो रहा है ना, तब तक जो मैंने ड्राई मैंगो रखा था ना उसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी पानी में रखा था ना, तो उसको थोड़ा ऐसे हाथ से मिक्स कर लूँगी। इसको मैं मिक्स कर लिया, अभी इसमें मसाला सारा डाल दूँगी। जैसे कि एक बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पर सरसों का पेस्ट लिया है, तो सरसों का पेस्ट जरूर डालना, बिल्कुल भी उसको नहीं छूना है, सरसों का पेस्ट बिल्कुल भी नहीं छूना है। अगर नहीं बनाएगा ना सच मैंने सरसों का पेस्ट में डाल के बनाना तो बड़ा अच्छा होता है। और उसमें थोड़ी सी मैं यहाँ पर नमक दे रही हूँ के साथ यहाँ पर हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। यहाँ
यहाँ पे आप देख सकते हो जो ड्राई मैगो में मैंने सरसों का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और भी उसको मिला दूँगी पानी को मैं। ये पानी को मैं कब डालेंगे ना तो आपको देखा दूँ, एड तक जरूर देखना, बीच में देखती हूँ मैं छूना, यहाँ तक जरूर देखोगे ना तो पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पानी बिल्कुल मेरा रेडी है, इसको फाइव कर देते हैं। और तेल को अच्छी तरह गर्म होने के लिए छोड़ूंगी। तेल जैसे ही गर्म होगा मैं उसमें जो पंचफुटन मिलता है ना, तो जो लोग उड़ीसा में मुझे देखते हुए ना उन लोग को पता होगा उन लोग के बारे में, क्योंकि हम लोग गांव के मिलता है बहुत सारा मसाला उसमें डाल के बनाते हैं, पंच प्रकार मसाला इसमें डालते हैं। तो ये गांव में मिलता है, मैं जो गांव से आया था ना तो मैं लेके आता है, जब तो नहीं मिलता है ये, जब आप खट्टी वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें ये डालते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्ट लगता है। इसके जगह अगर आपके पास ये नहीं है ना तो इसके जगह आप जीरा और मोहरी भी डाल सकते हो, लेकिन ये है मेरे पास तो मैं इसको ही डालूँगी। आधी चम्मच मैं इसमें डाल दिया है और उसके साथ एक कटा हुआ मैंने प्याज रखा है उसको डालूंगी। प्याज दे चुके हैं, अभी जो भेजी मैंने फ्राइंग कर रखा था ना उसको दे दी। और इसके साथ जो मछली मैंने फ्राइंग कर रखा था उसको दे दी। ये सारा मिलाने के बाद जो मैंने पानी बना के रखा था ना उसको दे दूंगी जो ड्राई मैगो का। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करना। इतना यम्मी लग रहा है ना देखने में कि ज़्यादा लगता है ना टेस्ट में, जरूर ट्राई करना एक बार और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप ट्राई करो कि नहीं। अगर मैं भी इस तरीके से बना रही हूँ आप किस तरीके में बना रहे हैं ना वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं कोशिश करूँगी आपके जैसा बनाने के लिए। अभी इसको अच्छी तरह से उबालने के लिए, बाकी इसमें कुछ भी मसाला मैं नहीं डालूँगी।
पे मेरी मछली भी फ्राई है या फिर मेरी भिंडी भी फ्राई है, इससे ज़्यादातर तक तो मिल सकाना पड़ेगा। एक बार नमक जरूर चेक कर देना, क्योंकि नमक तो मछली में भी रहता है और भिंडी फ्राई करने भी मछली में नमक दिया था, और जो मसाला मैंने बनाया था ना उसमें भी मैंने नमक दिया था। उसको अच्छी तरह उबालना चाहूँगी, आप चाहते ऐसे ढक पी सकते हो उसको। जब तक उसको उबालना आता है तब तक मैं थोड़ी बेसन साफ कर दूँगी, क्योंकि पूरा खाना बनाने के बाद में बेसन साफ करूँ तो बेसन बहुत सारा हो जाता है, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसकी वजह से मैं बीच बीच में थोड़ा सा भी बेसन निकलता है ना तो मैं साफ कर लेती हूँ। आप देख सकते हो ये उबलना शुरू हो चुका है। देख सकते हो ये अच्छी तरह उबल चुका है। अभी इसमें मैं 4-5 हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च आप नहीं डालना चाहते हो तो नहीं भी डाल सकते हो, अच्छी तरह से। मुझे इतना ही ग्रेवी चाहिए, अभी ज़्यादा भी नहीं। उसको नहीं कर दूँगी, गैस को मैं बंद कर दूँगी। अभी आप देख सकते हो मेरी मछली का जो खट्टी है बन के पूरा रेडी है, बिल्कुल गांव के स्टाइल में बड़ा अच्छा है। अभी इसके ऊपर थोड़ी सी मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ। अभी आप देख सकते हो मेरी बिल्कुल गांव के स्टाइल में मछली का जो खट्टी है बनके पूरा रेडी है। हम इसको खट्टा बोलते हैं, तो जरूर ट्राई एक बार जरूर करना। अगर नहीं बनाया होगा ना तो ट्राई करके एक बार तो बनाना जरूर। तो आपने तो देखा, एक मिनट, तो आपने तो देखा मैंने बाटा मछली का कैसे उसको ड्राई मैंगो के साथ बनाया, उसके साथ भिंडी वगैरह डाल के। तो मैंने जिस तरीके में बनाया एक बार मेरी तरीके में बना के देखना, सच माना टेस्टी लगता है। गरम गरम चावल के साथ खाओगे ना तो बड़ा टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर नहीं बनाया होगा ना तो ट्राई एक बार जरूर करना सरी। अगर आपने नहीं बनाया होगा तो ज़रूर ट्राई करना मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने भी इस तरीके में बनाया। अगर आप भी किस तरीके में बनाते हो ना वो भी आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं मेरी तरीके में बनाया। अगर आपका तरीका थोड़ी अलग रहता है, सबका तो अलग अलग तरीका रहता है वो जो मुझे मालूम है, क्योंकि कोई तो अलग तरीका में बनाते हैं। अगर कोई मुझे उड़ीसा में देखते हैं तो उन लोग को पता होगा ये मछली के बारे में और उसको बनाने का जो तरीका है। तो चलिए आज का ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, पास में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिना सब्सक्राइब करके बिल्कुल भी मत जाना। तो आज का पूरा पसीना पसीना में हो गया है, क्योंकि बाकी खाना मैंने ऑलरेडी बना दिया है। सिर्फ मछली का आपके साथ शेयर करने वाली थी। मुझे एक कमेंट आया था इसको साफ करने का, कैसे साफ करते हैं उसको, तो मैं सच माना आज आपके साथ शेयर करने वाली थी। लेकिन ना मेरी हस्बैंड जब उसको लेने के लिए गए थे ना मछली को, तो उधर से वो साफ करके लेके आए थे, तो इसकी वजह से सॉरी मैं आपको नहीं देखा। लेकिन हाँ एक दिन ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी मछली की कैसे साफ करते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं फिर रखूँगी। प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और फैमिली फ्रेंड सबके साथ आप शेयर भी कर सकते हो। तो आप चलिए बाय।